3 meter long car goes past a 4 meter long truck at the rest on the road. जो length of car है उसने 3 meter दी हुई है, length of truck 4 meter है, और जो truck है वो rest position में है. Clear है? Imply that जो speed consider की जाएगी only car की speed consider की जाएगी. The speed of the car is 4 meter per second. जो speed है कार की वो कितनी दी हुई है, 7 meter per second. The time taken to go past is, इसको ट्रक को पार करने के लिए उसको क्या कितना टाइम लगा है उसके बारे में पूछ रहा है. बेसिकली उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है. देखो कार ट्रक को पास करने के लिए, यहाँ पे मान लो ये ट्रक है, ये कार आ रही है, इसको ये कार ट्रक को पार कर जाएगी, इसके लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो, ट्रक वाली डिस्टेंस प्लस में कार की खुद की डिस्टेंस. वाई? बिकॉज कार को पार करने यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, और एंडिंग पोजीशन ये होनी चाहिए. इम्प्लाई दैट इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, खुद की डिस्टेंस प्लस में ट्रक की डिस्टेंस को कवर किया. यही यदि ये किसी व्यक्ति को पार कर रही होती तो ओनली अपनी खुद की डिस्टेंस को कवर करती है. क्लियर है? अब यहाँ पे ट्रक की लेंथ 4 meter है और कार की लेंथ 3 meter है, तो टोटल इसने 7 meter की डिस्टेंस को कवर किया. स्पीड क्या है कार की, 7 meter per second, तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 second. क्लियर है? तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B3 हो जाएगा.